हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर वन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर टू, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है तो ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जल से। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर पाँच, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रियाएं संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर छः, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सात, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आठ, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रियाएं कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर नौ, घेंगा रोग पनपता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर दस, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सिप्सगनोमोनोमीटर। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। क्वेश्चन नंबर तेरह, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णिक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो ऑप्शन नंबर बी, DDT। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 23, अंडोत्सर्ग का कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी, FSH।
बिल्कुल सही है। लेंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लेंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 25, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 26, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1.2 से 1.4। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 केजी। क्वेश्चन नंबर 28, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष को के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक एवं उल्टा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, आभासी, सीधा, छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक ऑप्शन नंबर ए, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन नंबर बी, परिकीर्णन, सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। तो 25 सेमी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, +2 डायरेक्टर, यानी कि डी को हम डायरेक्टर पढ़ सकते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 सतहों से घिरा रहता है। नंबर 36, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, पक्षमावी पेशिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण की किस बिंदु से गुजरेगी? तो ऑप्शन नंबर ए, फोकस से। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।